नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। सपा और बीजेपी अपना पूरा जोर मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर लगा रही है। एक ओर जहां समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट उनकी प्रतिष्ठा वाली सीट है, तो वहीं बीजेपी 2024 से पहले ये सीट जीतकर पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। तो चलिए जानते हैं मैनपुरी सीट पर जाति समीकरण कैसा रहेगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में वैसे तो 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सपा और बीजेपी अपना पूरा जोर मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में लगा रही है। एक ओर जहां समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट उनकी प्रतिष्ठा वाली सीट है, जिसे जीतना उनके लिए बेहद जरूरी है, तो वहीं बीजेपी 2024 से पहले ये सीट जीतकर पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। दरअसल हर एक पार्टी सीट पर अपना जीत का दावा पेश कर रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर एक तरफा जहां पूरा समाजवादी परिवार और उनके कार्यकर्ता प्रचार में जुटे हैं और छोटी छोटी नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां प्रचार करने के लिए अपने मंत्रियों की पूरी फौज ही उतार रखी है। गौरतलब है कि वैसे तो ये चुनाव मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी को बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। तो उधर मैनपुरी के वोटों के गणित को समझाया जाए तो यहाँ लगभग 17 लाख के आसपास वोटर हैं। इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी का 45% वोट बैंक है। सबसे ज्यादा यादव वोट बैंक मैनपुरी में है, जो लगभग 4,30,000 से ज्यादा है। मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो वो भी लगभग 70,000 के आसपास है। इन दोनों वोट बैंक के आधार पर सपा अपने पाले में 5 लाख वोट मान रही है। तो वहीं बीजेपी मानती है कि सीट पर यादवों के वोटों के बाद यहां सबसे ज्यादा शाक्य बिरादरी के वोट हैं। और इस रणनीति के चलते बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। और यहाँ पर शाह के वोटों की संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ लगभग 2,90,000 से ज्यादा शाखियों के वोट हैं। साथ ही क्षत्रिय वोट भी लगभग 2 लाख के आसपास है। 1 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, तो ऐसे में वोटों का आंकड़ा 6 लाख तक का हो जाता है। वहीं लोधी और वैश्य वोटरों की संख्या भी सीट पर लगभग 1,70,000 है। बता दें कि लोधी और वैश्य के वोट बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। जी हाँ, यही वजह है कि बीजेपी इस बार मैनपुरी में कमल खिलने का दावा कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस सीट पर दलित वोट बैंक की है, जो लगभग 1,80,000 के आसपास है। माना जा रहा है कि दलित का ये वोट बैंक जिधर जाएगा वो इस बार चुनाव में बाजी मारेगा। यही वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने में पूरे जद्दोजहद के साथ जुटे हुए हैं। पर योगी सरकार के मंत्री ये भी कह रहे हैं कि वोट के आंकड़ों का चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मोदी जी की नीतियों से हर कोई खुश है और हर समुदाय के लोग बीजेपी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। और मैनपुरी में भी ऐसा ही होगा और लोग बीजेपी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार। बेस्ट रिपोर्ट प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।